उत्तर प्रदेश के संबल जिले में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। संबल में हुई किसान महापंचायत में तय हुआ कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन को सरकार पंजाब और हरियाणा के बड़े किसानों का आंदोलन बताती है, लेकिन हम आज संबल में महापंचायत करके यूपी में किसान आंदोलन का आगाज हो चुका है। वहीं संबल में हुई महापंचायत के बाद 25 सितंबर को किसान से सहमति करके भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्ग भी किसान महापंचायत में पहुंचे और किसान महापंचायत में पहुंचकर किसानों के साथ महापंचायत का हिस्सा बने। किसान महापंचायत हुई संबल में, क्या रणनीति इसमें तय की गई और क्या उद्देश्य था इस महापंचायत का? देखिए, जो पिछले 9 महीने से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश के किसान भी बहुत अच्छा भाग ले रहे हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में ये आंदोलन ज़्यादा तेज है और यूपी के अंदर भी वैसे ही आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। जैसे हरियाणा पंजाब में टोल बंद है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में टोल बंद करवाने की ज़रूरत है। जैसे हरियाणा पंजाब में जो बीजेपी वाले हैं उनको काले झंडे दिखाते हैं, ऐसे ही यहाँ भी दिखाने की ज़रूरत है। उस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। और दूसरा, जो बीजेपी वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो बीजेपी का विरोध कब ने यहाँ करना है, किसी भी पार्टी को वोट डालें, इस सब के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरपाल जी बिलारी को, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी पंचायत बुलाई है। आज भारी संख्या में किसान संबल में पहुँचे हैं और उत्तर प्रदेश में आज आंदोलन का आगाज हुआ है। सर, संभल में महापंचायत करके क्या संदेश देना है सरकार को और क्या इसके पीछे की पूरी रणनीति है? देखिए, संभल में पंचायत करके संदेश देने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश जहाँ से सत्ता का रास्ता होके गुजरता है, जहाँ से देश की गद्दी का रास्ता होके गुजरता है, अब वहाँ का किसान इस आंदोलन में पीछे नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों से भी ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के किसान में है, ये दिखाने के लिए हरपाल जी बिलारी ने यहाँ पे पंचायत बुलाई थी। और यहाँ पे आज आप देख रहे हैं ग्राउंड छोटा पड़ गया, जितने ग्राउंड के अंदर लोग थे उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बाहर लोग थे। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरपाल जी को और धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिनमें इतना जोश इस आंदोलन के प्रति भर गया है। सर, भारत बंद का अभी यहाँ से ऐलान किया गया, मन से तो क्या समर्थन करते हैं? जी, भारत बंद का 25 तारीख का ऐलान है और जो है वो सभी तरह की जो आंदोलन है, जो संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा, उन सभी में उत्तर प्रदेश का किसान हिस्सेदारी डालता रहेगा। किसान महापंचायत की गई थी, क्या था इसका पूरा उद्देश्य, क्या रणनीति इसमें बनाई गई? संबल का उद्देश्य ये है, इस आंदोलन में 9 महीने चल रहा है, हरियाणा पंजाब में पूरा पीक पे आंदोलन है और वहाँ एक एक किसान जान चुका आंदोलन क्या है, मुद्दे क्या हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को एक प्रकार गुमराह कर रही है, इसका पूरा नेटवर्क आरएसएस का सरकारी मशीनी बात पे कार्यकर्ता जाकर ये कह रहे हैं गाँव कि ये किसान आंदोलन केवल पंजाब का हरियाणा का है, बड़े किसानों का है, छोटे किसानों का संबंध नहीं है इसका। MSP प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये तो रहेंगे, तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे हैं और समझा रहे हैं इसको लेकर कि ये आंदोलन इस हिंदुस्तान के एक बीघा किसान से लेकर 1,000 एकड़ तक किसान का है और ये प्रधानमंत्री 3 बिल्ला का डेट डिवेंट साइन कर चुका है, ये वापस कराने हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश से इसका आगाज होना है, क्योंकि सरकार मान चुकी है ये कि पंजाब में आती है 13 सीटें, इनकी 5-7 सीट है केवल। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, भारत का मुकद्दर तय होता है उत्तर प्रदेश से, रास्ता ज़्यादा प्रधानमंत्री के यहाँ से आता है, तो इनकी पूरी कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम करके पूरी नेटिव पैदा करके और इस स्टेट किसान को लूट के सत्ता चलाओ।